दोस्तों जय बाबा बरसानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। बोले इस समय सुबह के 5:30 बजे हैं और आज 3 दिन के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है। पहलगाम से हम आगे बढ़े, अभी कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि पूरा कॉन्वॉय उन्होंने रोक रखा था मिलिट्री ने, क्योंकि ऊपर से मैसेज, वायरलेस मैसेज आया था कि मौसम ऊपर ख़राब है, इसलिए मौसम जैसे ही दुरुस्त होगा तो यात्रा जाने दी जाएगी। तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा वहाँ वेट किया। एक बार जयकारा लगा था, बोले की फौज, बोले की फौज। ये हमारे गौरव जी साहब है, नौकरी लेके जा रहे हैं यात्रा पे। आरो राजा भी खाओ कर दो यात्रा, ऐसे जो हमारा है घुमा दो। हेलो अमरनाथ बर्फानी की जय हो, अमरनाथ बाबा की जय हो। तो थोड़ी देर के बाद यात्रा का मैसेज आ जाता है और मिलिट्री के ऑफिसर्स हमको आगे के बढ़ने की ओर इशारा करते हैं, तो हम लोगों का कॉन्वॉय आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पहाड़ियों और वादियों से होते हुए, लेकिन इस बीच लीडर नदी हमारे साथ ही साथ चलती रही, जिसको मैंने आप पीछे भी जिक्र किया था अपने एपिसोड में, वो पूरी यात्रा में हमारे साथ है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, यात्रा और भी सुहावना था, क्योंकि घाटियों के बीच से होते हुए, पहाड़ियों के वादियों के बीच से होते हुए हमारी टैक्सी आगे बढ़ रही थी और नज़ारा बहुत ही अनुपम था, जिसको शब्दों में बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। सब बहुत ही आनंद और हर्षित थे। बाबा बर्फानी का जय घोष। हमारे साथ लखनऊ के आलमबाग के कुछ युवक थे जो यात्रा कर रहे थे हमारे साथ, वो भी बहुत ही हर्षित और उल्लासित थे। वो लोग भी हमारे साथ ही पिस्तू टॉप तक रहे। उसके बाद फिर हम लोग शायद आगे पीछे हो गए, लेकिन इस बीच हमारी यात्रा अनवरत चल रही थी और रास्ते में बेताब वैली पड़ी, उसका जिक्र मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी तो मेरे पास करने के लिए कुछ खास था नहीं। तो उस दरमियान हम लोगों ने अरू वैली और बेताब वैली भी घूम लिया, जिसका रिकॉर्डिंग मैं आपको यात्रा के अंत में दिखाऊंगा, क्योंकि वो यात्रा का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभी ये यात्रा हम लोग, और मैंने बताया आपको कि वहाँ का किराया 180 रुपये पर हेड टैक्सी वाला लेता है, लेकिन अगर इकट्ठा आप लोग 8-9 लोग हैं तो फिर वो 1800 रुपये में आपको ले जाता है। वो थोड़े पैसे फालतू सीजन के हिसाब से ले लेते हैं वो लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वो बियर कर लीजिएगा। तो यात्रा चलती रहती है ऐसे ही, और खूबसूरत नज़ारों का, वादियों का, घाटियों का, और कलकल करते झरनों का हम लोग अवलोकन करते हुए और बाबा जय घोष के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हर हर भोले नमः शिवाय।
थोड़ी देर के बाद ही हम बेस कैंप में थे। बेस कैंप में पहुंचकर वहां पे जो सबसे ज़रूरी काम है वो तो एक ये है कि आप अपना आईडी ज़रूर बनवा लें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो गया है, आपको एक आईडी मिलेगी जिसको आपको अपने गले में लटकाए रहना है, क्योंकि जगह जगह स्कैनर लगे हुए हैं, उससे आपकी लोकेशन और पोजीशन का पता लगता है कि आप इस समय कहाँ पे हैं। तो वो आप जरूर आईडी जरूर बनवा लें, अदरवाइज उसके बगैर आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका दिल्ली में नहीं बन पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर नुनवान बेस कैंप पहलगाम में भी बन जाता है और पंचकरने में भी बन जाती हैं वो सब चीज़ें। वहाँ पे मिलिट्री पूरी हेल्प करती है आपको, मिलिट्री के ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं और लोकल लोग भी हैं वहाँ के प्रशासनिक लोग जो आपको इस तरीके की सारी मदद मुहैया कराते हैं, आपको हेल्थ चेकअप भी कराते हैं, तो वो भी सब वहाँ पे। ऊपर जाके हो जाती है तो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लोग लेके घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जो सेवादार हैं वो आपको ऑक्सीजन भी दे देते हैं। तो ऐसा कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भाव बन रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के तो आप विलम्ब ना करें, आप तुरंत चल पड़ें और अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लें, क्योंकि ऑक्सीजन कम जरूर है लेकिन उसके हिसाब से आपके लंग्स वगैरह काम बढ़िया करना चाहिए, कोई दिक्कत है। और चलने फिरने में कोई दिक्कत अगर हो तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि यात्रा अगर आप पैदल नहीं चल पाएंगे तो आपको पिट्ठू करना पड़ेगा, और पिट्ठू जो है वो थोड़ा सा महंगा है क्योंकि वो चढ़ाई बहुत ही दुर्गम है, इसलिए वो पैसा एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो उसके लिए आपको पैसा आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो ज़रूर आप तैयारी करके चलें, क्योंकि मौसम का पता नहीं होता कब आपको पिट्ठू करना पड़ जाए, और मौसम बिगड़ते ही आपको तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि उस समय पिट्ठू ही कारगर रहता है। तो आप ज़रूर ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। और रास्ते में भी बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं, जैसे आपको लेदर के बैग्स वगैरह लेने हैं, अगर आपका टूट गया है कोई नया लेना है तो वो ऊपर लेदर बैग्स की दुकानें भी हैं, वहाँ से ले सकते हैं आप। शूज़ वगैरह अगर आपको लेना है तो ऊपर भी मिल जाता है शूज़, नहीं तो वैसे तैयारी घर से करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब आप ज़रूर कर लें और यात्रा का आनंद पूरा लें। तो अब हम लोग इस समय पंचकरनी पहुँच गए हैं, वहाँ पर हमारा सारा स्कैनिंग और जो आपको फॉर्म मिला था उसकी एक पर्ची वो काट के मिलिट्री ऑफिसर रख लेते हैं, और उसके बाद पूरा सामान की स्कैनिंग करके हमको अंदर जाने देते हैं। अगला पड़ाव मेरा जो था वो पिस्सू टॉप का था, बहुत ही दुर्गम चढ़ाई है, थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है ये, 2 किलोमीटर की लगभग अप्रोक्सीमेट। तो इसको आप बहुत ही सावधानी से चढ़ें, और मतलब और बाबा बर्फानी आपके साथ हमेशा अंग संग रहेंगे, क्योंकि आप उन्हीं की यात्रा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हर आप ऐसा महसूस करेंगे कि बाबा आपके साथ ही हैं, तो आपकी आनंदमय यात्रा रहेगी। और खूब आप जो है ना पानी पीते रहें भरपूर, वहाँ पे पानी अपने साथ रखें, पानी पीते रहें, क्योंकि ऊपर ह्यूमिडिटी भी हो जाती है और मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, 2 मिनट में चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो ये है बाबा दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है पहलगाम से पिस्सू टॉप तक,
तो ये आप लोग अवलोकन करें और आप लोग अपना आइडिया लगा लें कि कैसी चढ़ाई है और कैसे कैसे जाना, वो मैंने आपको सारा विस्तार से बता ही दिया है। तो ये सब चीज़ें आप अपने जहन में रखें और अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और इस साल अगर आप रह गए हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आनंद उठाएं, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पे बहुत ही उत्तम है, क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे पंडाल हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे पंडाल सोनीपत का हो गया, हरियाणा का हो गया, दिल्ली के हो गए, समलखा का हो गया, और भी बल्लभगढ़ के हो गए, बहुत सारे बहुत जगह के क्या नाम है कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे, पानीपत का हो गया। तो इन कैंपों में आपको सब तरीके का भोजन मिलता है। अगर आप चाइनीज खाना चाहते हैं तो चाइनीज मिल जाएगा आपको, नूडल्स साउथ इंडियन खाना चाहते हैं तो नूडल्स और इडली वगैरह मिल जाएगी आपको, अगर आपको कुछ स्वीट वगैरह खाना है तो आपको आंवले के मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, मिठाई भी है, स्वीट भी है, बर्फी वगैरह भी खिलाते हैं वो लोग। और खाने में दाल मखनी है आपको, और बहुत सारे पनीर की सब्जियाँ हैं, और दाल रोटी, कढ़ी चावल, ये सब तो चलता ही रहता है वहाँ पे। तो लिहाजा आप खाने पीने के मामले में तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस जो भी खर्चा आपका होना है वो आपका ट्रेवल करने में और खच्चर वगैरह में होगा अगर होगा तो। और पानी की बोतल वहाँ पे ऊपर 50 रुपीज़ की है, तो लिहाजा कोशिश ये करें कि एक बोतल ले लें और बोतल फेंकें नहीं। वो पहाड़ी पानी जो आ रहा होता है उसको आप साफ जगह से ले कर भर लें उसको, क्योंकि वो पानी बिल्कुल प्योर औषधि है, वो फिल्टर वाटर, मिनरल वाटर एक तरीके का, उसको आप पीते रहें। इस समय हम लोग ये पिस्तू टॉप पे हैं, सबसे टॉप पे, और ये जो है सबसे हाइट ज़्यादा है इसकी। बस यहाँ पे गर्मी पसीने से कपड़े वपड़े उतार दिए, क्योंकि पसीने से भीगा हुआ था पूरा। मौसम ठंडा है वैसे, लेकिन चढ़ाई चलने की वजह से एकदम पसीना पसीना हो गया था, इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए मैं। और ये मैं देखो एक जगह ये शॉप है, यहाँ पर ठंडा वगैरह लोग ले रहे हैं जो भी है। ये देखिए सारा टूरिस्ट यही रुका हुआ है, कुछ नहीं है, भोले के पास जा रहे हो सब, ऐसे ही चढ़ाई है, ऐसी नहीं है, अब आराम पाया ऐसी चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है एकदम, सबसे टेढ़ी चढ़ाई बस यही है, इसके बाद तो फिर आराम है पूरा। आराम क्या है मतलब आगे भी चढ़ाई है लेकिन यहाँ तो ठीक है। तो ये है यात्रा का विवरण, और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं सारा कितना अद्भुत नजारा है। और ये जो झंडा आप देख रहे हैं, ये झंडा भारतीय साइड का है, और उसके उस तरफ जो है वैली के उस तरफ पाकिस्तान है शायद, तभी झंडा यहाँ लगाया हुआ है। और इससे आगे हमको और जाना है, अभी आगे जब जाऊंगा तो पीछे झंडा मैं कितने दूर छोड़ा है, कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे ना मिल रही हो। बढ़िया टेंट लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, भक्तों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। और ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, आइटम नहीं है जो सेवादार हमारे देना रहा हूँ आप लोगों को, पूरी व्यवस्था है यहाँ पे खाने पीने की। ये देखो क्या चीज है भैया, मुरब्बा है, ये देखो आंवले का, आंवले का मुरब्बा है। ये सारे सेवादार हमारे गाजियाबाद का, ये क्लब वो है, ये मूंगफली है, जो आपको मतलब दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो यहाँ ना मिल रही हो। खाने पीने के लिए व्यवस्था है पूरा, पूरा देखो चाय वगैरह सब है, और ये फ्री सेवा है सारी। ये हमारे भोले लोग हैं जो पूरी व्यवस्था का इंतजाम करा हुआ है इन्होंने पूरी यात्रियों के लिए। वह हो क्या बात है, भोले बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय हो बाबा। ये देखो सामने जो झंडा आपको दिखाया था मैंने, वो वहाँ पीछे छोड़ गया हूँ, वहाँ से हम लोग ये यहाँ तक आ गए। ये देखिए ये पूरी यात्रा चल रही है, ये लेकिन वो हम लोग तो देखे हैं कि आगे अरे हम आप जो ना ये घाटियाँ देखो, ये देखो बादल काले काले हो रहे हैं चारों तरफ, शेषनाग की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी, ये चढ़ाई चल रही है ऊपर, ऊपर जाना है हम लोगों को अभी यहाँ से। ये देखो सर ये नीचे वही नदी बह रही है, लीडर नदी का पानी ये ऊपर पहाड़ों से आता है। ये देखो कहाँ से आ रही है, क्या बात है, वाह बोले कहाँ बैठे हो आप, देखो क्या बात है, ये देखिए नज़ारा दोस्तों, ये देखिए ये यात्रा चल रही है पूरी, ये देखिए ये ऊपर जाना है वहाँ तक। अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा इस एपिसोड के अंत में कि जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय कमेंट्स
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।